स्नेक, हॉर्स, बफलो जैसे जानवरों को भले ही डेंजरस और ज्यादा अग्रेसिव एनिमल्स में से नहीं गिना जाता, पर ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अगर ये एनिमल्स अपने पर आ जाए तो बड़े से बड़े और छोटे जानवर को भी छठी का दूध याद दिला सकते हैं। पर ये बड़ा शॉकिंग है कि इन जानवरों की दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली यानी कोमोडो ड्रैगन्स के सामने एक भी नहीं चलती। ये छिपकलियां बहुत ही ज्यादा ग्रीडी होती है और आए दिन अपनी जान जोखिम में डालकर लार्ज साइज एनिमल से भिड़ जाती है। लेकिन कभी कभी कोमोडो ड्रैगन्स को अपने लालच की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। साउथ ईस्टर्न इंडोनेशिया में पाई जाने वाली कोमोडो ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस मानी जाती है। कोमोडो दिखने में जितनी बड़ी आकार की होती है, ये लिजर्ड्स उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी लगती है। इसीलिए किसी भी जानवर की उन्हें देखते ही हवा निकल जाती है। इन छिपकलियों का शरीर 2.6 मीटर के करीब बढ़ सकता है और इस बड़े शरीर के चलते ही इन छिपकलियों का वजन 79 से 91 kg के करीब भारी हो सकता है। बड़े शरीर की तरह ही इनकी पूंछ भी बड़े आकार की ही होती है और इस पूंछ की बदौलत ही ये छिपकलियां बड़े से बड़े शिकार को मार गिराने की काबिलियत रखती हैं। ठीक पूंछ की तरह इनकी गर्दन भी काफी ज्यादा मजबूत होती है। वहीं अपने मजबूत और बड़े पैरों की बदौलत ये छिपकलियां तेजी से भागने के लिए जानी जाती है। बता दें कि इन बड़े आकार की छिपकलियों के शरीर पर गहरे रंग पाए जाते हैं। इसके सिवा इनके पूरे शरीर पर खास तरह की बड़ी बड़ी और गहरी धारियां भी पाई जाती है। वहीं इनकी जीभ काफी ज्यादा नुकीली और कांटेदार होती है जो आमतौर पर पीले रंग में पाई जाती है। बात करें कोमोडो ड्रैगन्स की रफ्तार की तो ये छिपकलियां 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागकर अपने शिकार का पीछा कर सकती है। वही कोमोडो अक्सर झुंड में शिकार करती है, इसलिए अगर ये छिपकलियां किसी जानवर को पा गई तो उसकी जान लेकर ही मानेगी। इसी वजह से कोमोडो से पंगा लेना बड़े आकार के सांपों तक को भारी पड़ जाता है। बता दे कि कोमोडो के सलाइवा में एक खास तरह का वेनम पाया जाता है, इसीलिए कोमोडो की अपने इलाकों में तूती बोलती है। वही एक कोमोडो के मुंह में करीब 60 नुकीले दांत पाए जाते हैं। इनमें से एक दांत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर के करीब होती है। बात करें बाइट फोर्स की तो कोमोडो ड्रैगन्स के काटने की क्षमता 500 से 600 PSI यूनिट के करीब हो सकती है। ऐसे में किसी कोमोडो के अगर किसी दूसरे जीव पर हमला कर दिया तो उसकी हड्डियों का कचूमर बनने में जरा भी देर नहीं लगेगी। कोमोडो ड्रैगन्स की सूंघने की क्षमता भी कमाल की होती है। इन छिपकलियों के मुंह में एक खास तरह का सेंसर लगा होता है। ये लिजर्ड्स जंगली जानवरों की गंध मिलते ही उनका पीछा करने के बाद शिकार के मिलते ही उन पर हमला करने लग जाती है। इसके बाद ये छिपकलियां शिकार को मारकर उन्हें हजम कर जाती है। अगर इन छिपकलियों की नाक ना तेज हो तो इन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। दरअसल ये छिपकलियां दिखने में भले ही बड़ी हो पर ये बहुत ही कम दूरी तक देख पाती है। इतना ही नहीं, इन्हें सुनाई भी नहीं देता, जो सच में हैरान करने वाली बात है। इसके बावजूद भी कोमोडोस को बहुत ही ज्यादा डेंजरस माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोमोडो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा लालची होती है और रास्ते में पड़ने वाले हर जानवर को अपना शिकार बना सकते हैं। ये बड़े आकार की छिपकलियां कैरियन से लेकर डियर जैसे जानवरों को बहुत ही आसानी से हजम कर सकती है। कोमोडो ड्रैगन्स के लालची होने के अपने नुकसान और फायदे होते हैं। लालच के चक्कर में कोमोडो कई बार ओवर ईट कर लेते हैं। ऐसा करने से इनका पेट तो भर जाता है पर इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोमोडोस ओवर ईटिंग के चलते मूव ना कर पाए और मूव करने पर ये लिजर्ड्स अपनी नॉर्मल स्पीड में नहीं भाग पाती। ऐसा होने पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई शिकारी जानवर मौका मिलने पर कोमोडो पर हावी हो जाए। इसके अलावा लालच के चक्कर में कोमोडो ड्रैगन्स कई बार अपनी ही स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स पर भी अटैक कर देते हैं। ऐसे में लड़ाई के वक्त एक कोमोडो के द्वारा दूसरे कोमोडो की जान जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। कोमोडो अटैक्स ऑन ईच अदर। अब तक हमने कोमोडो ड्रैगन की दूसरे जानवरों से लड़ाइयां और उन्हें शिकार करते हुए देखा है, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग है। दरअसल आपने वह कहावत तो जरूर सुनी ही होगी कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर। ये देखिए, जब एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन से लड़ाई मोल लेता है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। लगभग 2 मीटर लंबे दोनों ही कोमोडो जब आपस में अचानक से दूसरे पर हमला बोल देते हैं तो देखने लायक चीजें होती है कि इनमें से कौन जीतेगा।
आखिर तक दोनों जानवरों का पलड़ा बराबर का रहता है और आसपास खड़े लोग इस हैरान करने वाले दृश्य को कैमरे में कैद कर लेते हैं। ये जीव दिखने में बहुत ही ज्यादा वजनदार और बड़े होते हैं और साथ ही भारी वजन की वजह से इन जीवों को जमीन से ऊपर उठने में परेशानी होती है। लेकिन लगातार जमीन से ऊपर उछल कूद करने के बाद भी ये जानवर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इतना ही नहीं, लालच के चक्कर में कई बार एक बड़े साइज का कोमोडो नन्हे कोमोडो पर अटैक करके बच्चों तक की जान ले लेता है। ये दिखाता है कि कोमोडो ड्रैगन्स कितने ज्यादा ब्रूटल और ग्रीडी होते हैं। साथ ही कई मौकों पर कोमोडो ड्रैगन्स का झुंड लालच में आकर लार्ज साइज एनिमल्स पर भी अटैक कर देता है। वह तो शुक्र है कि बफलो और दूसरे लार्ज साइज एनिमल्स के कंपैरिजन में कोमोडो ड्रैगन्स की हाइट बहुत ही कम होती है, इसीलिए कोई भी लार्ज साइज एनिमल इन लिजर्ड्स पर चाहकर भी अटैक नहीं कर सकता। वरना बफलो और हॉर्स जैसे पावरफुल एनिमल्स पर लायन तक अटैक करने से बचते हैं। ऐसे में इन पावरफुल एनिमल्स के सामने इन रेंगने वाले जीवों की क्या मजाल है। वैसे छोटी हाइट और जमीन से एकदम चिपक कर चलने की वजह से कोमोडो हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जानवर पर बहुत ही इजीली अटैक कर सकते हैं। कोमोडो अटैक्स ऑन द एयर। कोमोडो ड्रैगन्स के लिए भूख की तलब और लालच का एक ही मतलब होता है और वो है शिकार। ऐसे में बात जब हंटिंग की आती है तो ये खूंखार रेप्टाइल्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब बड़े आकार की छिपकलियों की नजर एक हिरण पर पड़ती है, ऐसे में इनके मुंह में पानी आ जाता है। धीरे धीरे ये लिजर्ड्स हिरण की तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले बेचारा हिरण खुद को बचाने की कोशिश करे, उससे पहले ही इस पर हमला बोल दिया जाता है। कुछ देर की झड़प के बाद हिरण लिजर्ड्स की चपेट में होता है। इसके सिवा कोमोडो को पिक से लेकर छोटे आकार के जानवरों पर भी हमला करते हुए देखा गया है। कोमोडो अटैक्स ऑन पिग। जब एक कोमोडो ड्रैगन को पिग्स और उनके नन्हे बच्चों की भनक लगती है तो ये खूंखार छिपकली अपने शिकार की तरफ भागी चली आती है। ऐसे में कोमोडो को आते देख बड़े पिग्स तो यहां वहां छुप जाते हैं, लेकिन इन जानवरों के नन्हे बच्चे मुसीबत में फंस जाते हैं। बस इसी का फायदा उठाकर ये छिपकली एक बच्चे पर हमला बोल देती है। अब जाहिर है कि एक ही वार में पिग का बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है और इससे पहले कि कोई जानवर इस नन्हे बच्चे को बचाने की कोशिश करे, उतने में ये विशालकाय छिपकली इस पिगलेट का काम तमाम कर देती है। इतना ही नहीं, कई मौकों पर इन्हें बर्ड्स के सिवा गोट्स पर भी हमला करते हुए देखा गया है। कोमोडो अटैक्स ऑन गोट। मौत को अपने सामने खड़ा देखकर बकरी भी अटैकिंग मोड में आ जाती है और सींग की मदद से ड्रैगन पर धावा बोल देती है। लेकिन बकरी के इस तेवर को देखकर कोमोडो ड्रैगन वहां से वापस चला जाता है और थोड़ी ही देर में अपने कुछ दोस्तों के साथ वापस आ धमकता है। इसके बाद कोमोडो ड्रैगन पूरे दमखम के साथ बकरी के ऊपर हमला बोल देता है। सबसे पहले अपनी ताकतवर पूंछ से ये एक जबरदस्त वार करता है। इस एक वार से ही बकरी पूरी तरह से अधमरी सी हो जाती है, जिसके बाद मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन बिजली की तेजी से बकरी को अपने जबड़े में दबोच लेती है। कोमोडो अटैक्स ऑन बैट। जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों के सिवा ये लिजर्ड्स पेड़ पौधों पर बैठे पक्षियों को भी शिकार बना सकती है। अब इसका जीता जाता एग्जाम्पल ये क्लिप है, जहां एक कोमोडो लिजर्ड्स की नजर पेड़ पर लटक रहे बैट पर पड़ती है। एक्साइटेड होकर अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी ये छिपकली बंदरों की तरह उछलती है तो कभी पेड़ की ढाल पर चढ़ने की सभी टैक्टिक्स आजमाती है। ऐसे में जब कोई पैतरा काम नहीं आता तो अपनी जंपिंग स्किल्स का दम दिखाकर ये छिपकली शिकार पर पकड़ बना ही लेती है। इसके बाद ये अपनी सारी झुंझुलाहट हाथ आए बैट पर निकाल देती है। हद तो तब हो गई जब भूख लगने पर इन लिजर्ड्स ने बफलो जैसे बड़े आकार के जानवरों पर भी हमला करने से परहेज नहीं किया। कोमोडो के भारी भरकम और विशालकाय शरीर को देखकर आप ये समझने की भूल मत कीजिएगा कि छिपकली की इस प्रजाति का सिर्फ शरीर ही चलता है, दिमाग नहीं। क्योंकि छोटे आकार के जानवरों पर भले ही कोमोडो सीधे तौर पर हमला करती है, लेकिन जब इनके सामने बड़े आकार का जानवर पड़ता है तो उस वक्त ये छिपकली दिमाग से काम लेती है। अब इस वीडियो में मौजूद बफलो को ही ले लीजिए। देखा जा सकता है कि पहले ये छिपकली शांत बैठी बफलो के पैर पर जोरों से वार करती है, यानी शिकार के शरीर में जहर छोड़ दिया गया है
और जैसे जैसे समय बीतता जाता है बफलो के खून में जहर घुलने लगता है। ऐसे में भैंस भी कमजोर पड़ने लगती है और फिर मौका देखते ही ये लिजर्ड धीरे धीरे अपने शिकार के करीब जाकर उस पर हमला करना शुरू कर देती है और कुछ देर के अंदर ही 200 किलो से भी ज्यादा भारी बफलो का नामो निशान मिट जाता है। वैसे जिस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो ये छिपकलियां अपने ही परिवार के सदस्यों को हजम कर गई। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये लिजर्ड्स कितनी ज्यादा निर्दयी, खतरनाक और लालची होती है। कोमोडो कभी भी किसी को भी हजम कर सकती है। जंगल में शायद ही कोई ऐसा जानवर है जो इन खतरनाक छिपकलियों से भिड़ने की हिम्मत जुटा पाए। सीधे तौर पर बोला जाए तो इन बड़े आकार की छिपकली के ऊपर कोई भी जानवर हमला नहीं करता। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।